सात में से किसी के पास पांच सब्जेक्ट हैं, किसी के पास छह किसी के पास टू सिक्योर ओवरऑल थर्टी थ्री का एग्जाम है देखो, ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों पे मिला के पास होना पड़ता है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सभी क्लास टेन के बच्चों को बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन फाइनली बच्चा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और मुझे जरूर बताना कैसा फील कर रहे हो इन द कमेंट सेक्शन अब एग्जाम के साथ साथ और हां जो क्लास के लर्नर्स हैं अभी इनके एग्जाम्स खत्म नहीं हुए तो आप पढ़ाई करते चलो आपका भी इंडिपेंडेंस डे जल्दी आने वाला है अब यहां पर ना एग्जाम्स के बाद आप खूब एंजॉय करो इसके साथ साथ कुछ साइड में आपको प्लान करना पड़ेगा इसी बीच में ना एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है इन केस अगर किसी के एग्जाम्स खराब गए हैं कि संतोष सर सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया क्या है पासिंग क्राइटेरिया मतलब सीबीएसई कितने मार्क्स में यहां पर स्टूडेंट को पास करती है क्या इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों पे मिला के पास होना पड़ता है या इंडिविजुअल है क्लास टेन का कुछ अलग है ये बहुत सारे डाउट है तो ऐसे में हम इसको डाउट को यहां से क्लियर करेंगे और मैं आपसे बोलूंगा बच्चा बी इन टच आपके एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म बट अब क्लास इलेवन का ना हल्का हल्का एक्सपोजर मिलते चलेगा इसी प्लेटफॉर्म से क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे संतोष कि परसेंटेज कैसे निकाला जाए तो परसेंटेज के लिए मैं आपसे आपका सब्जेक्ट जानना चाहता हूं मुझे हर कोई बच्चा जो वीडियो देख रहे आप यहां पर ना क्लास टेन की बात कर रहा हूं आप देखा जाए आपका किसी किसी के आपके पास एक दो तीन चार पाँच सात है और जो साइंस है ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो सबके सब होंगे इसके अलावा अच्छा यहां पर लैंग्वेज वन टू और लैंग्वेज थ्री में और साथ में जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है ये बहुत सारे बच्चों के अलग अलग है मुझे हर कोई बच्चा अपने रीजन का नाम मेंशन करना और साथ में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट से ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं और आपको ये जरूर बताऊंगा और हां अगर आपका ना इन तीनों में से कोई सा भी एक एग्जाम खराब गया है और आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है इसका बहुत बड़ा फायदा होता है इसीलिए कह रहा हूं हर कोई मुझे कमेंट करना चलो के एंड बच्चे देखो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और साथ में टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बतानी है बहुत सारी आपको बताना है क्लास इलेवन कैसा होता है डिफिकल्टी लेवल क्या है इसीलिए बच्चा, in touch, अभी जाके का कर लेना। अब बच्चे बात की यहां पर बच्चा, को समझते हैं। देखा आपके बच्चा, ये आप देखो पर, मुझे बताओ बच्चा आपके पास मैथ्स एग्जाम कितने का हुआ है? आपका का एग्जाम जो इंटरनल था वो आपके ट्वेंटी मार्क्स का है तो डाउट कहां पर है कि सर अभी तक तो क्लास जब हम एट में थे तो क्या था आपको 100 में से कम से कम 33 मार्क्स लाने हैं उससे ज्यादा पास होने के लिए यहां पर ना जब से ये डिवीजन हुआ है तो डाउट आ गया तो अब बहुत सिंपल सा गेम है बच्चा मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था जिन्होंने पहले की वीडियो देखी हुई है कि आपको क्लास टेंथ में पास होने के लिए आपके पास ये जो इंटरनल और ये जो आपके थ्योरी है दोनों को मिला के आपको कितना स्कोर करना है बच्चा 33 है अभी मैं आपको सीबीएसई का ना

और साथ आपके में न, आपके इंटरनल में ना आपके मान लो कि एग्जाम्पल मार्क्स आए हैं कितने ठीक है दोनों का प्लस करोगे आपका थर्टी थ्री हो जाएगा तो ऐसे में आप पास बात को समझो किसी बच्चे के मान लिया जाए कि आपके थर्टीन थर्टीन आपके मार्क्स मार्क्स थ्योरी में है और ट्वेंटी मार्क्स इंटरनल में हैं, देखा जाए तब भी आप पास के इसका मतलब क्लास टेन का पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है दोनों पे मिला के आपको 33 चाहिए आपको इंडिविजुअली बच्चा

जो थर्टी मार्क्स है वो आपका इंटरनल नहीं है बच्चा ये प्रैक्टिकल है तो अब यहां पर क्या होता है कि आपको ना इसमें थर्टी थ्री परसेंट अलग से चाहिए मतलब थ्योरी में और इसमें भी आपको अलग से थर्टी थ्री परसेंट चाहिए और दोनों पे अलग अलग पास होना पड़ेगा तब जाके आप पास कहलाते हो हंड्रेड परसेंट है क्या बट क्लास टेन में ऐसा नहीं है सेम बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के लिए अब देखा जाए ये समझ लो कि आपका थर्टी मार्क्स लाने होते हैं तो ऐसे में आपके पास ये लिस्ट तो है तो अगर आप बीस परसेंट कैसे निकालोगे जो भी मार्क्स होगा ना उसको जीरो पॉइंट थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करना तो यहां पर लगभग सिक्स पॉइंट सिक्स आएगा तो ऐसे में सिक्स पॉइंट सिक्स मान लिया जाए तो सिक्स पॉइंट सिक्स है तो आपका सीबीएसई कहती है यहां पर लगभग सिक्स मार्क्स हैं

इसका डू नॉट वरी एक दो मार्क्स अगर होते हैं तो सीबीएसई एडजस्ट कर लेती है बस ये आपको दिखाना था कि ऐसा कुछ होता है तो क्लास टेंटी थ्री परसेंट जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ आपके दोनों को मिला के बट क्लास में इंडिविजुअली है है अब प्रूफ सीबीएसई इंडिविजुअल करती है देखा जाए जब सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल करिकुलम आ, किया था ना बच्चा तो इन दैट केस सीबीएसई ने एक बड़े से पर्जे में दिखा था मैं आपको दिखाता हूं बच्चा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट सीम की बात करते हैं जहां पर ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है The assessment will have an 80 marks component for board examination and आपके पास जो एग्जाम को जब कंडक्ट करवाया जाएगा तो इंटरनली आपके पास कितना है बच्चा ट्वेंटी मार्क्स है अब आगे पढ़ना आपको सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स हैव टू सिक्योर थर्टी थ्री परसेंट इन टोटल इन टोटल इन एज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इसका मतलब टोटल मिला के अस्सी और बीस सौ

तो आपके पास दे नीड टू सिक्योर ओवरऑल थर्टी थ्री परसेंट बोथ टेकन टूगेदर इन द सब्जेक्ट टू बी एबल टू पास तो पास होने के लिए टोटल मिला के थर्टी थ्री परसेंट चाहिए डन बच्चा एक और बच्चा यहां नोटिफिकेशन देख लिया जाए आंसर पढ़ना बच्चा यहां से आपका सब कुछ क्लियर होगा देखा जाए इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड एज है पास द एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट शैल ऑपटेन अ ग्रेड हायर देन ई एटलीस्ट थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स इन ऑल द फाइव सब्जेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इन द मेन और साथवे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन द पास मार्क्स इन ई सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सैलरी बच्च थर्टी थ्री परसेंट है तो आपको थर्टी थ्री बच्चा सेम अगर आप क्लास ट्वेल्थ की बात करोगे इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर एस द एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट शैल अ ग्रेड हायर देन ए एटलीस्ट थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स इन ऑल द फाइव सब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन द पास मार्क्स इन इज एग्जामिनेशन विल बी थर्टी इन केस ऑफ सब्जेक्ट जहां पर प्रैक्टिकल वर्क भी है तो स्टूडेंट को अलग से थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स थ्योरी में चाहिए बच्चा और अलग से थर्टी थ्री बच्चा आपको प्रैक्टिकल पे चाहिए मतलब इंडिविजुअली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज थ्योरी दोनों पे पास होना पड़ेगा तब जाके आप पास कहलाते हो यही बच्चा सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया है क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए अब एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट यहां बताना है इसके साथ साथ मुझे जरूर बताना आपकी कितना परसेंटेज इस बार सीबीएसई में एक्सपेक्ट कर रहे हो जल्दी से मुझे देखा जाए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसके साथ साथ आप क्लास टेन से अब मूव कर रहे हो तो ऐसे में स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज्यादा परेशान करेगा कि कौन सा स्ट्रीम लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहां पर क्लास इलेवेंथ में साइंस स्ट्रीम को परस्यू करना चाहते हो तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डाउट यह होगा कि संतोष सर नीट के लिए जाएं या फिर आपके पास बच्चा मैं जेई के लिए जाऊं तो ऐसे में दो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसके लिए आप क्या कर सकते हो देखा जाए मतलब आप सात दिन तक के प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस के सब्सक्रिप्शन को नहीं करना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी और इस क्लासेस के अंदर आप कंप्लीटली पूरा आइडिया ले सकते हो कि आपका सिलेबस क्या है आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी सेमिनार टाइप का मान लो आप यहाँ पर क्या क्या इसके पास बुक के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या क्या पढ़ना होता है तो आप देख सकते हो सारी ऑनलाइन लाइव और आपको रिकॉर्डेड बैसे जाएंगी सेवन तक। आपके पास यह बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का आइडिया भी ले सकते हो स्टडी मटेरियल के साथ आप देख सकते हो कि मुझे कितनी एफर्ट क्लास इलेवन ट्वेल्थ में लेनी है और कितना ये कहते ना कि आपको डिस्टर्ब करता है कि मैं किसके साथ जाऊं तो आप यहां पर सेवन डेज तक रिसर्च करो

फ्री ट्रायल आपका एक्टिव है और सात दिन तक आप आराम से रिसर्च करो और ये जानो कि मुझे क्या करना है हमेशा जब बारी सीखने की आती है तो पीछे नहीं हटना इसके लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन पे मैं बोलूंगा आपको जाके सात दिन तक खुद करो खुद रिसर्च करो तब आपका मजा आएगा कि क्या स्कोप है क्या क्या मैं और कर सकता हूं तो इसके लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो सब जाके के, के लर्निंग का पार्ट बनना एंड मेरे बच्चों तो अब यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करने अपकमिंग एवीकेजी के प्लेटफॉर्म पे सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया हमने किया नेक्स्ट में लेके आऊंगा कि आपको क्या एक्सपोजर यहाँ पर लेना चाहिए क्लास इलेवन का शेयर तो yes, करके कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करना मैं सारे डाउट के आंसर दूंगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिलते चले एंड जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले बच्चे कैसे ऑल द बेस्ट एंजॉय करो